हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनके मिस्टर एंड यू आर वाचिंग इनके मिस्टर क्लासेस। आज सीखेंगे इंग्लिश स्पोकन के बेसिक क्लास में के हिसाब से अगर इंग्लिश में बोलना हो तो फिर कैसे बोलेंगे, क्योंकि मीटर के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, घंटा के हिसाब से या दिन के हिसाब से इस तरह का अगर बोलना हो इंग्लिश में तो कैसे बोलेंगे। इन्हीं तरीके के बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो से आप पाएंगे, तो इसके लिए जरूरत है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए पहले इसके हिंदी को देख लेते हैं, फिर इस पर कैसे सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में वो भी देख लेते हैं। तो बाय द मीटर मींस होता है मीटर के हिसाब से, कपड़ा बेचते हैं मीटर के हिसाब से। चलिए, बाय द डर्जन, दर्जन के हिसाब से, जैसे केला बेचते हैं दर्जन के हिसाब से। बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से, जैसे आप एक लीटर दो लीटर क्या खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कुछ भी, तो बाय द लीटर। बाय द आवर मींस घंटा के हिसाब से, ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर कोई भी काम घंटा के हिसाब से होता है। बाय द डे, दिन के हिसाब से। बाय वेट, तौल कर यानी तौल के हिसाब से, और यहां पर बाय वेट ही बोलेंगे, बाय द वेट नहीं बोलेंगे। लेकिन इधर देखिए, बाय द मंथ, महीना के हिसाब से। अगर आप कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो महीना के हिसाब से फीस पेमेंट करते हैं, तो महीना के हिसाब से। चलिए सेंटेंस के रूप में देखते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। आई सेल इट बाय द मीटर, मैं इसे मीटर के हिसाब से बेचता हूं, कपड़ा बेचता हूं मीटर के हिसाब से। आई, यहां पर शी सेल्स इट्स बाय द डजन, तो डोजन, दर्जन के हिसाब से क्या क्या बिकता है, केला बिकता है, अंडा बिकता है, जो गिनकर 12 गिनकर बेची जाती है उसे हम डोजन का प्रयोग करेंगे। तो सी सेल्स एक्स बाय द डोजन, वह दर्जन के हिसाब से क्या बेचती है, अंडा बेचती है। दे बाय पेट्रोल बाय द लीटर, वे लोग लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदते हैं। याद कर लीजिए, आई पेड वेजेस बाय द आवर, मैं मजदूरी घंटा के हिसाब से पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट है, सी पेड द ऑटो फेयर बाय द डे, उसने ऑटो का जो फी है, ऑटो का क्या बोलेंगे, उसके भाड़ा है, वो दिन के हिसाब से पे कर दी। ग्रेप्स आर सोल्ड बाय वेट, मतलब ग्रेप्स जो ये अंगूर तौल के हिसाब से बिकती है, बेची जाती है। आई टेक ट्यूशन फी बाय द मंथ, मैं ट्यूशन फी महीना के हिसाब से लेता हूं। तो इस तरीके से आप इन सभी को कमाल आप कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस इस पर बनाइए ताकि अभी कभी आपको याद हो जाए, और उम्मीद है कभी याद हो भी गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को आप हमेशा देखते रहिए, रोज सवेरे 5 बजे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।